ओम महचन ओम इदगं हवि प्रजननाम मे अस्तु दस वीर गं सर्वगण गं सत्वे आत्मसनि प्रजासनि पशु सान्य लोक सान्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्तः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु आपको निहारूं, बोलिए हनुमान जी महाराज की।
सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए हनुमान जी महाराज से कहें, उनके जैसा देवता कोई है नहीं, इसलिए भक्त मनाते हुए भगवान से कहते हैं कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। No।
भरिताद्रिजिरामे
बंदे श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दाय के फल चा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार प्रेम से बोलिए सियावरी रामे चंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की परम पुराण मर्यादा पुरुषोत्तम परात पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन कलित कोमल चरण भोभे हरण भक्त वत्सल रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार अकारण करुणा वरुणालय राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा माता श्री जानकी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त विद्वानजन विप्रजन मंच पर बैठे हुए समस्त संगीतकार परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से सत्संगी पंडाल में विराजमान सभी सत्संगा अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी ममतामयी वात्सल्यमयी सभी माताएं बहनें छोटे छोटे सभी बाल गोपाल जिन्होंने यह श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य कार्यक्रम रखा है ऐसे हमारे परम सम्माननीय श्री सूर्यकांत यादव जी आपका समस्त परिवार इस कार्यक्रम में लगा हुआ है भगवान की असीम अनुकंपा आप पर बरस रही है जो भगवान की कृपा से भगवान के इस दिव्य कार्यक्रम में आप को अपना जो है सहयोग प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ भगवान का कार्य वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है तो चाहे भैया गोपाल जी हों चाहे गोपाल जी की माता जी हों आप लोग बहुत ही श्रद्धा बड़े ही भाव के साथ इस कार्यक्रम में अपना जो है समय दे रहे हैं तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं ये भगवान की बड़ी कृपा है और आपके समस्त साथीगण तो आइए जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है आज श्री राम कथा का प्रथम दिवस है हम आप सभी लोग बड़े भाव से करतल ध्वनि करते हुए परमपिता परमात्मा के मंगलमय नाम का संकीर्तन गाएंगे तत्पश्चात श्री राम कथा मंदाकिनी में निमज्जन कर अपने तापत्रय जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे
सभी लोग एक बड़े भाव से करतल धोने के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन गाएंगे। हमारी माताएं बहुत ही सुंदर गाती हैं। आप लोगों का भाव प्रेम अभी शोभा यात्रा में हमने देखा, बड़ा ही दिव्य था। तो आइए, जैसे अभी आप लोगों ने कलश उठाने में यमुना जी के दर्शन में प्रसन्नता प्रकट की, इसी तरह जो है आप श्री राम कथा सुने और सुंदर तालियों की भी सेवा करें। आप लोग सभी लोग गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामे नारायणम जाने की बोले हम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने की बोले हम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने की बोले हम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम राम।
सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशो तुम कैसे हम कृष्ण दामोदर हम, राम नारायण दाने की भूले हम, यशो तुम कैसे हम कृष्ण दामोदर हम, राम नारायण दाने की भूले हम, यशो तुम कैसे हम कृष्ण दामोदर हम, राम सज्जनों, आज सत्संग का प्रथम दिवस है। हम आप सभी लोग कथा पांडाल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को श्रवण करने हेतु सम्मिलित हुए हैं। सत्संग का बड़ा ही महत्व श्री राम चरितमानस में बताया गया है। सत्संगी के बिना मानव जीवन अधूरा है। जब तक हम आप भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, तब तक हम आपको पूर्ण रूप से सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये कथाएं जो है सत्संग में ही सुलभ है जो मिलेंगी। ध्यान रखना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर महत्व बताया गया, लेकिन कुछ लोग इस पर भी प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है, तो सत्संग में जाने से फायदा क्या है, जरा ये हमें तो बताएं, जितना दुर्लभ है उस सत्संग में जाने से क्या फायदा है। एक व्यक्ति महात्मा जी से मिला, उसने कहा, महात्मा जी जरा आप मुझे बताइए सत्संग में जाने से क्या फायदा है, कथा सुनने से क्या फायदा है, ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाएं से क्या फायदा है, यज्ञ करने से क्या फायदा है। महात्मा जी ने कहा, आपने इतने सारे फायदे पूछे, एक फायदा मैं भी आपसे पूछ लूं। उसने कहा, हाँ महाराज पूछिए। महात्मा जी ने कहा, आपने इतने सारे फायदे मेरे से पूछे हैं, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपके पैदा होने से क्या फायदा है, बस इतना मुझे बता दीजिए, सारे फायदे मैं आपको बता दूंगा। उस व्यक्ति ने महात्मा जी की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तो आज भी बहुत से लोग यह प्रश्न किया करते हैं कि सत्संग में जाने से क्या फायदा है, कथा सुनने से क्या फायदा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग में जाने से भगवान की कथा हम आपको प्राप्त होगी, ये फायदा है, भगवान की कथा सुनेंगे। अच्छा, भगवान की कथा श्रवण करने से क्या फायदा है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जब भगवान की कथा हम मन लगा करके सुनेंगे तो हमारे अंदर जो मोह है, जो अज्ञान है, वो मोह समाप्त हो जाएगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगा।
अच्छा मोह समाप्त हो जाएगा, इससे क्या फायदा होगा। महात्मा जी ने कहा जब हमारे अंदर का अज्ञान समाप्त हो जाएगा, मोह भाग जाएगा, तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रीति हो जाएगी। अच्छा भगवान से प्रेम हो जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत जब होगा, भगवान से लगाव हो जाएगा, भगवान की याद करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भगवान को केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जाननी हारा। भगवान को केवल प्रेम ही चाहिए। यह प्रेम भगवान के प्रति हमारे हृदय में कब जागृत हो, जब कथा में जाकर सुनेंगे, बैठेंगे सत्संग में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भागे, अमोह गए बिनु राम पदे, होए न दृढ़े अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बिना भगवान की कथा प्राप्त हो ही नहीं सकती है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। कुछ लोग तो और बड़े विचित्र होते हैं। एक ने कहा महाराज हमारे यहां सत्संग चल रहा है, भैया सूर्यकांत जी बड़ा सुंदर राम कथा का प्रवचन करवा रहे हैं, सारे गांव के लोग जा रहे हैं लेकिन हम नहीं गए हैं। तो महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छा किए जो आप नहीं गए। उसने कहा महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब लोगों ने तो यही कहा कि आप भी चलो कथा सुनने, आप भी चलो सत्संग में, और आप महात्मा होकर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है आप किए हैं जो सत्संग में नहीं गए हैं, ऐसा क्यों। महात्मा जी ने कहा इतने लोगों ने कहा आप नहीं गए, बहुत बढ़िया किया है, अगर आप सत्संग में चले जाते तो हनुमान चालीसा झूठा हो जाता। बोले हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। महात्मा जी ने कहा हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तुम जैसे भूत सत्संग में नहीं जाते हैं। सत्संग में कौन जाता है, जो बिना बुलाए कथा में आ जाए, कथा सुने, वही तो श्रोता है, जो भाव से सुने वही तो श्रोता है। कुछ लोग कहते हैं हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। अरे किसी का शादी ब्याह थोड़ा हो रहा है, यहाँ तो भगवान की कथा हो रही है, यहाँ तो बिना बुलाए ही पहुंच जाना चाहिए। यह कार्यक्रम जो है किसी के व्यक्तिगत नहीं होता है, तो सबका कार्यक्रम है। भैया सूर्यकांत जी का ही कार्यक्रम नहीं है, आप सबका कार्यक्रम है, सबको सहयोग करना चाहिए, आना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ये किसी का शादी ब्याह नहीं है, किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, सबके हित के लिए हो रहा है, इसलिए सबको आना चाहिए। तन मन धन से जो भी सेवा बने ऐसे कार्यक्रम में बिना कहे करना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की अनुकंपा बरसती है जो ऐसे कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करता है। तो सत्संग में कौन जाता है, बोले भगवान के भक्त जाते हैं, संत जाते हैं, भगवान की कथा कौन सुनता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण करही जे ही पाना, संत च को रे करही जे ही पाना।
शशि किरण समाना संत चकोर कर ही जही पाना। भगवान की जो कथा है यह चंद्रमा की किरणों के समान है और जो संत इसे श्रवण करता है वह चकोर की तरह है, वह भगवान का भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभ में माता सरस्वती जी और भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती जी की वंदना की, जो महादेव और पार्वती जी श्रद्धा विश्वास के रूप में है। भगवान शंकर की वंदना गुरुदेव के रूप में करते हैं। हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं माता सीता से, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो आदि शक्ति सीता जी हैं, ये जगत की सृजन करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और जगत का संहार करने वाली, कलयुग के सारे क्लेशों को हरने वाली, प्रभु श्री राम के वाम भाग में विराजमान माता जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना करते हुए कहते हैं, यह रामचरितमानस की मैं रचना करता हूँ। बोले किसके लिए? बाबा जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए इस मानस की रचना कर रहा हूँ, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। अब इसे पढ़ने में किसी को आनंद मिले, सुनने में किसी को सुख मिले तो जरूर आप पढ़ें, सुने और आनंद प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, इससे ही सबको सुख की प्राप्ति हुई है। फिर गोस्वामी जी महाराज गुरुदेव जी की वंदना करते हुए सत्संग का महत्व बताते हैं। संतों का जो समाज है वह चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, ध्यान रखना। संत किसे कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत कोई वेशभूषा से नहीं होता है, संत विचार से होता है। जिसका विचार अच्छा है, आचरण अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, जिसकी वाणी अच्छी है, वही तो संत है। जिसके अंदर सहजता है, सरलता है, धर्म के प्रति निष्ठा है, विश्वास है, भगवान का भजन करता है, परहित करता है, परोपकार करता है, दान पुण्य करता है, भगवान की कथा सुनता है, सत्संग में जाता, वही तो संत है। जिसके अंदर ये आचरण होते हैं वही साधु, वही संत है। संत कोई वेश से नहीं होता है, संत तो आचरण से होता है। जो भगवान की कथा सुने वही संत है। और ऐसे जो भगवान की कथा सुनने वाले संत जब इकट्ठा बैठ जाते हैं तो तीर्थ राज प्रयाग बन जाता है, वह चलता फिरता प्रयागराज है। यह सत्संग समाज जो है, संतों का जो समाज है, तीर्थ राज प्रयाग है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि मोदी मंगले में संत समाज, मोदी मंगले में भगती जहां सूर्य।
स्वामी जी कहते हैं, मुदे मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। प्रसन्नता से संत समाज जहां इकट्ठा हो जाए वही तीर्थ राज प्रयाग है। किसी ने कहा, बाबा जी प्रयागराज में तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, बट वृक्ष है, तो इस संत समाज में गंगा यमुना सरस्वती बट वृक्ष कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं, इस संत समाज में जो राम जी की भक्ति की आपको लहर दिखाई पड़ती है, जो भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में मग्न है, जो भगवान की भक्ति दिखाई पड़ रही है संत समाज में, वही गंगा जी की धारा है। संत समाज में यह बताया जाता है कि ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, यह कार्य अच्छा है, यह कार्य खराब है, इसे करो, इसे मत करो। जो ये संत समाज में बताया जाता है वही यमुना जी की धारा है, है? और संत समाज में यह भी बताया जाता है कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का लक्षण क्या है, ब्रह्म कैसे हम आपको दर्शन देते हैं, भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है। ये जो ब्रह्म के तत्व की व्याख्या की जाती है, जो ब्रह्म की चर्चा की जाती है, वही जो है सरस्वती जी की धारा है। और यह सब सुनते सुनते जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, जिसका विश्वास अडिग रहता है कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान मुझे जरूर जो है सद्बुद्धि देंगे, भगवान मुझे मुक्ति देंगे, भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, ये भाव जिसके अंदर है, विश्वास जिसके अंदर है, दृढ़ है, वही मानो बट वृक्ष है। क्योंकि बट वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जो कितने भी तूफान आए, कितने भी आंधियां चले, वह अडिग रहता है, वह डिगता नहीं है। तो जिसके अंदर का विश्वास अडिग है वही मानो बट वृक्ष है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो स्वामी जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, अकथ अलौकिक तीर्थ राव, ध्यान रखना, वह जो तीर्थराज प्रयाग है बड़ा ही कठिन है। वहां पर जाने में हम आपको समय की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है, वाहन की आवश्यकता है, और यहां से वहां तक जाएंगे थकान भी होगी, है कि नहीं? वहां तक पहुंचने में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब तीर्थराज में हम लाभ पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। वह अडिग है, एक जगह पर रहता है, लेकिन ये संत समाज जो तीर्थराज प्रयाग है, ये चलता फिरता प्रयागराज है, ये जहां पहुंच जाए वही तीर्थराज बन जाता है, प्रयाग बन जाता है। और यहाँ पर आने में आपको ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, अपना पूरा समय घर का काम करें, 2-3 घंटे आकर के सत्संग में सम्मिलित हो जाएं, तो इस तीर्थराज प्रयाग का भी आनंद मिल जाएगा आपको। तो संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, ये चलता फिरता प्रयागराज है। इसमें आकर जो गोते लगाता है, स्नान करता है, ध्यान रखना, उसके हाथों में चारों पदार्थ आ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उस प्रयाग में स्नान करने से चारों फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये तो मैं नहीं कहता,
लेकिन इस सत्संग रूपी प्रयागराज में जो जाता है, इसमें जो स्नान करता है, जो गोते लगाता है, मतलब भगवान की कथाओं को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, भगवान की कथाओं को सुन करके भाव विभोर हो जाता है, निश्चित करके उसके हाथों में चारों पदार्थ आ जाते हैं। कि सुन समुझहिं जन मुदित मन मजहिं अति अनुराग, लहिं चार फल यछत तन साधु समाज प्रयाग। उसे चारों फल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए सत्संग में आकर के कथाओं को सुनना चाहिए और इस सत्संग में जो बताया जाता है उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। संत महात्मा कहते हैं जो सत्संग में जाकर के बैठता है उसका बिगड़ा हुआ जीवन सुधर जाता है। सट सुधर ही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कैसे? जैसे लोहा को जब पारस का संग मिल जाता है तो फिर लोहा लोहा नहीं रहता, वह लोहा सोना बन जाता है। तो कितना भी बड़ा सठ क्यों ना हो, इस संत समाज रूपी प्रयागराज में जो आ जाता है, संत समाज जैसे पारस का संग पा जाता है तो वह भी फिर सठ नहीं रह जाता, वह भी संत हो जाता है। तभी तो संत महात्मा कहते हैं कि संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे संत बना देते हैं, क्या है संतों के पास? तो संत कहते हैं संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य I'm not afraid to die।
और संत क्या करेंगे। हमारा जीवन जो है कागज के समान है ना, तो संत हमें हंस बना देंगे। कैसे? कागज तो ये हंस करेंगे, कागज तो ये हंस करेंगे, कागज तो ये हंस करेंगे, कागज तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, तो आज तक किसी की बनी जो हमारी बनेगी? आप बताइए, किसी की बनी? संत ने कहा हाँ, किसकी बनी जरा बताइए। महात्मा जी कहते हैं, धोबी की बन गई पहला देख बने गई, धोबी की बन गई पहला देख बने गई, धोबी की बन गई पहला जी।
चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग में जाने से सठ सुधर है, सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। ये सत्संग का प्रभाव है। तो किसी ने कहा आप एकाद प्रमाण भी तो दे दें, जो सत्संग में जाकर के सुधर गया है उसके बारे में आप बताइए महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं क्या बताऊं, जो सत्संग में जाकर के सुधर गया है वह स्वयं बता रहा है। प्रमाण दिया मानस में, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हुई पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, प्रकट है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है महाराज, ये तो प्रकट है। आप देखिए प्रमाण गोस्वामी जी दे रहे हैं, बाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी को आप देख ले, अगर इनका जीवन हम पढ़ें तो हम आप यही पढ़ते हैं शास्त्रों में कि वाल्मीकि जी एक बहुत बड़े डाकू थे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन एक कुसंग में पड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़े डाकू बन जाते हैं। मारपीट करना, लूटपाट करना, यही इनका काम था। एक दिन संतों के पास में पहुंचे, जिस वन में वाल्मीकि जी रहते थे उसी वन में संत महात्मा आए। उन महात्माओं को भी लूटने का प्रयास करते हैं। संतों ने समझाया आप इतना बड़ा पाप करते हो, आगे चल करके आपको बहुत कष्ट मिलेगा। वाल्मीकि जी ने कहा मुझे कोई कष्ट मिलने वाला नहीं है, मुझे तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। मैं लूट करके सामान घर में लाता हूँ, मेरा पूरा परिवार जो है आनंद से रह रहा है, इसमें दुख कहाँ है, तो सुख है। महात्माओं ने कहा अभी आपको इस पाप की कमाई में सुख दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सच्चा सुख नहीं है। पाप की कमाई कभी किसी को सुख दे ही नहीं सकती है, वह तो देगी तो केवल दुख ही दुख देगी, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। एक क्षण के लिए लगता है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतना सारा धन इकट्ठा मिल गया। किसी का लूट करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जब पकड़े जाते हैं तो जिंदगी भर फिर कष्ट ही कष्ट मिलता है, सुख नहीं मिलता। संतों ने समझाया आपको आगे चल करके बहुत दुख मिलेगा, आप ऐसा कर्म जो कर रहे हैं। काफी जब सत्संग हुआ तब वाल्मीकि जी के नेत्र खुले और उन्होंने संतों के सामने बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया कि आप बताइए फिर मेरे पाप का प्रायश्चित क्या है, मैंने तो बहुत ऐसे पाप किए हैं, आप बताइए इसका प्रायश्चित क्या है, मैं क्या करूं। संतों ने कहा आप कुछ ना करें, बस एक ही काम करें। क्या? आप तो बस राम राम जपें, और आप जब राम राम जपेंगे तो ये पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। वाल्मीकि जी को इस राम शब्द सुनकर संदेह हुआ, मैंने इतना पाप किया है कि मेरे पाप का एक विशाल पहाड़ है, और इस पहाड़ को, इस पाप को मिटाने के लिए संत कहते हैं आप राम राम कहो, तो राम में क्या इतनी ताकत है कि मेरे इतने बड़े पाप को मिटा देगा? क्या राम नाम में इतनी शक्ति है? महात्मा समझ गए, महात्माओं ने कहा आपको राम नाम पर संदेह हो रहा है, अरे आप राम नाम ना लें, राम का उल्टा आप लें, राम की जगह आप मरा कहें,
तो भी यह पाप आपका मिट जाएगा। और वाल्मीकि जी फिर राम नहीं कहते हैं, वाल्मीकि जी तो फिर मरा मरा कहते हैं। सभी मानस प्रेमी जानते हैं गोस्वामी जी ने लिखा है कि उलेटा नाम जपत जगे जाना, उलेटा नाम जपत जगे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उलेटा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। वाल्मीकि जी को संतों का सत्संग मिला और उस सत्संग में राम नाम का मंत्र मिला और वाल्मीकि जी मरा 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 कहते रहे और ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म की तरह बन गए, भगवान का उल्टा नाम लेते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है कि एक वाल्मीकि जी जो एक बहुत बड़े डाकू के रूप में प्रसिद्ध थे उन्हें ब्रह्म के समान बना देते हैं। यह है सत्संग की महिमा, यह है राम नाम का प्रभाव। दूसरा प्रमाण गोस्वामी जी महाराज देते हैं नारद जी का। आप लोग नारद जी की कथा से परिचित होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद जी दासी के पुत्र हैं। इनकी माँ जो है एक दासी के रूप में रहती थी, साधु संतों की सेवा करती थी। और नारद जी जब देखते हैं मेरी माँ संतों की सेवा कर रही है तो नारद भी अपने माँ के साथ साथ संतों की सेवा में लग जाते थे। उनका जूठा प्रसाद पा लेते थे और उन्हीं के पास में बैठ करके भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते रहते थे। संत महात्मा वहां पर चतुर्मास व्यतीत करते हैं। चार महीने सत्संग चला, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को उन्होंने कहा, देवऋषि नारद जी ने सुना। अब संत बोले हम जाएंगे, चतुर्मास पूर्ण हुआ, अब आगे यात्रा करेंगे। और जब वहां से संत जाने लगे तो नारद जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। नारद जी की माँ आकर संतों के चरणों में गिर गई, महात्मा जी ये मेरा जो बेटा है आपके साथ में जाना चाहता है, अगर ये चला जाएगा तो फिर मेरा सहारा क्या है, मैं किसकी आश्रित रहूंगी। संतों ने नारद को समझाया आप हमारे साथ ना चलो, पहले माँ की सेवा करो। नारद जी को माँ की सेवा अच्छी नहीं लगती है, अब तो संतों का संग ही अच्छा लग रहा है। महात्माओं ने जब समझाया तो नारद जी रुक तो गए लेकिन मन तो संतों के साथ ही चला गया था। शरीर से माँ की सेवा करते थे और मन से महात्माओं के पास में रहते थे। एक दिन मैया सुबह सुबह उठी, गाय का दोहन करने जाती है, तभी सर्प ने उन्हें डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी माता का अंतिम संस्कार करके पुनः संतों के पास चल दिए। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, समाधिस्थ हो जाते हैं।
भगवान का ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का वर्णन संत महात्माओं ने कथा में किया था, हे प्रभु वही रूप का मुझे दर्शन दीजिए। एक क्षण भगवान का वह स्वरूप दिखाई पड़ा, फिर विलुप्त हो गया। नारद जी बेचैन, प्रभु पुनः मुझे दर्शन दे। तब आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता है, अभी तू तप कर और जब तपस्या करते करते शरीर को छोड़ देगा, अगला तेरा जन्म होगा तब तुझे मेरा दर्शन होगा। और नारद जी भगवान का वहीं पर भजन करते रहे, संत महात्माओं के संग में रहते रहते शरीर का परित्याग करते हैं। और जब उनका जन्म दोबारा हुआ तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बन करके प्रकट होते हैं और भगवान के परम प्रिय भक्त बन गए। और ध्यान रखेंगे, नारद जी इतने प्रिय भगवान को इतने प्रिय हैं कि भगवान की कोई भी लीला नारद जी के बिना पूर्ण नहीं होती है, चाहे राम जी की लीला हो चाहे कृष्ण जी की लीला हो। भगवान श्री कन्हैया की लीला अगर आप हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो वहां भी नारद जी को पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था कंस को मारने के लिए, भगवान को मारना ही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कंस को तब तक नहीं मारते हैं जब तक नारद जी ने नहीं कहा। जब नारद जी बोले तभी कन्हैया कंस को मारने के लिए गए। देवऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास में आए, बोले सरकार हमने तो सुना है कि आपका अवतार कंस जैसे पापी को मारने के लिए हुआ है, अधर्म को मिटाने के लिए हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए आप आए हैं, और आप तो यहाँ ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, कभी गाय को चराने जाते हैं तो कभी गोपियों का चीर हरण करते हैं तो कभी रास लीला करते हैं, कभी माखन चोरी करते हैं, कभी आप नांगे के साथ में खेलते हैं, आप ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं कर रहे हैं और वहाँ कंस का जो है अत्याचार पाप बढ़ रहा है, आप उसे नहीं मार रहे हैं, तो क्या आपकी ये ऐसी ही लीला चलती रहेगी और वहाँ कंस का पाप बढ़ता रहेगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले नारद जी कोई मौका तो मिले तब ना हम कंस को मारे, ऐसे कैसे पहुंच जाए किसी के घर किसी को मारने। अच्छा तो आपको मौका की तलाश है तो आपको हम अभी दे देते हैं। कैसे? नारद जी यहाँ से पहुंचे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके कंस के पास, और कंस के पास में जाकर नारद जी ने कहा क्या बात है महाराज कंस, आप इतने बेचैन क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? नारद जी ने कंस की बेचैनी को जब पूछा तो कंस बड़ा निराश होकर चिंतित होकर के नारद जी से कहने लगा, मेरी चिंता का कारण वह कृष्ण है, जब तक कृष्ण नहीं मरेगा तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। नारद जी खूब हंसे, बोले इतनी छोटी सी बात में आप इतने परेशान हैं, अरे आपके तो इतने मित्र हैं, इतने सहयोगी हैं, और कृष्ण को मारना कौन सी बड़ी बात है? कंस ने कहा रे नारद कृष्ण को मारना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, मैंने कितनों को भेजा, पूतना को भेजा, बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, वृत्तासुर को भेजा, कितनों को मैंने भेजा, कन्हैया ने सबको मार दिया, वो तो मर ही नहीं रहा सब, बल्कि मेरे जितने यहाँ से लोग गए सब मर गए। नारद जी बोले ऐसे मत मारो महाराज, आप यहाँ से अपने लोगों को भेजेंगे कृष्ण को मारने के लिए तो वो नहीं मार पाएंगे, आप तो ऐसा करो कृष्ण को यहीं पर बुला लो तो फिर कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, सब लोग मिल करके मार देना, बस आपकी चिंता समाप्त। अच्छा तो कैसे बुलाऊं मैं? नारद जी ने कहा कोई कार्यक्रम आप रखिए, उस कार्यक्रम में कृष्ण को निमंत्रण दीजिए और कृष्ण जब आए तो आप मार देना। कंस ने कहा हाँ ये बढ़िया तरीका है, अब ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ कंस को समझा बुझा करके फिर नारद जी भगवान के पास पहुंचे, प्रभु अब निमंत्रण आने वाला है, अब आपको मौका मिलने वाला है, अब मत छोड़िएगा, जरूर
कंस जैसे कैंसर को समाप्त करिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो ध्यान रखना, भगवान को करना यही था, कंस को मारना है, लेकिन बीच में नारद जी आए। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान को बड़े प्रिय हैं। सारे जगत को आप देखें तो भगवान नारायण प्रिय हैं, और नारायण जी को शंकर जी प्रिय हैं, और शंकर जी और नारायण जी को कौन प्रिय लगता है? नारद जी प्रिय लगते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा ना कि नारद जान वे नाम प्रताप, नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। ये भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय नारद जी हैं। तो ये सत्संग करते करते, भगवान की कथाओं को सुनते सुनते, भगवान का नाम लेते लेते नारद जी भगवान के परम प्रिय भक्त बन जाते हैं। तभी तो एक बार नारद जी ने भगवान से कहा था, जय विद्यु जैसे मेरा हित हो आप वही करें प्रभु। भगवान ने कहा मैं आपका हित नहीं करूंगा नारद, मैं तो आपका परम हित करूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त नहीं हो, आप तो मेरे परम प्रिय भक्त हो। भगवान ने कहा था कि जे ही विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारे असोई हम करब नयान कछु बचन नम्र हमारे। मैं नारद का हित नहीं बल्कि परम हित करूंगा, क्योंकि मेरे परम प्रिय भक्त हैं। तो गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, देखिए सत्संग से नारद का भी जीवन कितना बदल गया। पहले दासी के पुत्र थे, लेकिन जब सत्संग को इन्होंने प्राप्त किया तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हो गए और भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त बन गए। ये है सत्संग की महिमा, ये भगवान के नाम की महिमा। तीसरा प्रमाण, वाल्मीकि नारद घट जोनी। आप घट जोनी कहते हैं अगस्त मुनि को, इनका जन्म जो है घट से हुआ है, इसलिए इनको घट जोनी कहा जाता है। अगस्त जी भी सत्संग करते हैं, तो भी सत्संग करते करते ब्रह्म के ज्ञाता और मंत्र के ज्ञाता हुए। तभी तो भगवान श्री राम जी वन में संत अगस्त जी से मंत्र पूछते हैं, आप मुझे मंत्र बताइए, रावण कैसे मरेगा, राक्षस कैसे मरेंगे, इनको मारने के लिए मुझे मंत्र दीजिए। राम जी कहते हैं अगस्त जी से, अवश्य मंत्र देह प्रभु मोहि जी प्रकार मारो मुनि द्रोही। अगस्त जी आप मुझे मंत्र बताइए तो मैं रावण जैसे पापियों का संहार करूं। और अगस्त जी ने श्री राम जी को मंत्र दिया, तभी उस मंत्र से राम जी ने रावण जैसे पापियों का संहार किया। तो ये कितने बड़े महात्मा अगस्त जी हैं जो भगवान को मंत्र बता रहे हैं, ये कितने बड़े मंत्र के ज्ञाता हो गए। ये मंत्र के ज्ञाता सत्संग से हुए हैं, संतों के सानिध्य से इन्हें मंत्र का प्रभाव पता चला। क्योंकि एक कथा आती है, उस दंडकारण्य में जहाँ अगस्त जी रहते थे वहां पर दो राक्षस रहते थे, आतापी बातापी। ये दोनों राक्षस से संजीवनी विद्या जानते थे। तो ये क्या करते थे, जब कोई महात्मा उस वन में आकर रहने लगता था,
तो ये दोनों भाई बड़ा साधु बन करके उनके पास में पहुंच जाते थे और कहते थे, आप हमारे यहाँ निमंत्रण में पधारे महाराज। संत तो बड़े सहज होते हैं, सरल होते हैं, संत निमंत्रण में पहुंच जाते थे। तो आतापी बतापी जो दोनों भाई थे, ये दोनों क्या करते हैं, एक भाई दूसरे को मार करके भोजन तैयार कर देता है और संत के सामने परोस देता है। अब संत जानता है कि ये तो भोजन है, उसे वह पा लेता है और उस भोजन के माध्यम से उस राक्षस को जब संत पा लेता है तो ये दूसरा जो भाई एक बैठा है सामने, यह मंत्र का प्रयोग करके और संजीवनी विद्या के माध्यम से उस संत के पेट में जो भोजन के माध्यम से उसका भाई पहुंच गया है उसे जीवित कर देता है और वह राक्षस संत का पेट फाड़ करके निकल आता है, संत की मृत्यु हो जाती है। तो दोनों आतापी बातापी उसे संत के शरीर को खा लेते हैं। यही दोनों करते थे। एक दिन इस आतापी बतापी ने अगस्त जी का निमंत्रण किया। अगस्त जी जानते थे और पहुंच गए। आतापी ने अपने भाई बातापी को भोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब जब अगस्त जी भोजन कर लेते हैं, बातापी तो अगस्त जी के पेट में पहुंच गया, आतापी बैठा है। आतापी संजीवनी विद्या का प्रयोग करता है, बार बार मंत्र उच्चारण करता है, फिर भी बातापी नहीं निकलता। तब अगस्त जी कहते हैं, मूर्ख राक्षस, जब मैंने सारे समुद्र के पानी को पचा लिया है तो क्या तेरा भाई अभी बचेगा, वह भी पच गया, अब निकलने वाला नहीं है। तो मंत्र के प्रभाव से अगस्त जी ने उस राक्षस को अपने पेट में ही गायब कर देते हैं। ये मंत्र का प्रभाव है। तो ऐसे मंत्र अगस्त मुनि जानते थे, वही राम जी को मंत्र बताते हैं, राम जी निशाचरों का वध करते हैं। तो ये भगवान के नाम की महिमा, भगवान की संतों की महिमा है, जो कि सत्संग से जीवन बदल जाता है। तो वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया, नारद जी का जीवन बदल गया, अगस्त जी कितने महान बन गए। और इतना ही नहीं, और भी शास्त्रों में देखें, आप ध्रुव जी को देख लीजिए, वी माता के कहने पर 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी अपना घर छोड़ करके वन चले गए, 6 महीने के अंदर भगवान को प्रकट कर देते हैं। नारद जी के सत्संग के माध्यम से उन्हें भगवान प्राप्ति का एक मार्ग मिल गया, मंत्र मिला, और ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। आप प्रहलाद जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तभी उन्होंने सत्संग का सेवन कर लिया था। जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया, अब हिरण्यकश्यप बड़ा नाराज हुआ, किस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया है। तो हिरण्यकश्यप जो है तपस्या करने गया, मैं शक्ति को प्राप्त करके मैं विष्णु का वध करूंगा, विष्णु से मैं युद्ध करूंगा, विष्णु को मैं मारूंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, कयाधु घर में थी तो इंद्र जो है कयाधु को पकड़ करके ले जा रहे थे। मार्ग में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि आप कयाधु को लेकर कहाँ जा रहे हो। इंद्र ने कहा, अरे कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का बालक है, उस बालक का जब जन्म हो जाएगा मैं उसे मार दूंगा, तब मैं कयाधु को छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र जो कयाधु के गर्भ में बालक है उसे मारने में आप सक्षम नहीं हो। क्यों? क्योंकि वह साधारण नहीं है, वह भगवान का भक्त है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। इतना सुनते ही नारद जी के सामने इंद्र ने कयाधु को प्रणाम किया और छोड़ दिया। कयाधु संतों के आश्रम में रहने लगी, सत्संग का सेवन करती हैं, भगवान की कथाओं को सुनती हैं। कयाधु के माध्यम से प्रहलाद जी भी सुनते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 प्रकार की भक्तियों को
कयाधु ने संतों से सुना और कयाधु के माध्यम से प्रहलाद जी ने श्रवण किया। और वही सत्संग प्रहलाद जी जो गर्भ में प्राप्त कर लेते हैं वह तो फिर कभी समाप्त नहीं हुआ, ज्ञान हमेशा बना रहा। निशाचर जो बालक थे, दैत्य बालक जो थे, उन्हें भी वह भक्ति का उपदेश करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। अब आप लोग सब जानते हैं कि प्रहलाद जी को मारने में हिरण्यकश्यप ने क्या कसर छोड़ी थी, उसने कितना मारने का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी बाका नहीं कर सका। एक थोड़ा सा भी चोट प्रहलाद जी को नहीं लगी, क्यों? इसलिए कि भगवान रक्षा कर रहे थे, भगवान उनकी रक्षा पग पग करते हैं। कैसे भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मार सकता है? भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, ये भगवान के नाम की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। जो सत्संग का सेवन करता है, भगवान का नाम लेता है, निश्चित करके उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग में कथा सुनना चाहिए। संत महात्मा कहा करते हैं कि जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। ठिकाना नहीं है, कब त्याग तन की डाली, उड़ जाए प्राण पंछी, पिंजड़ा पड़ा पुराना, मन राम भजन कर ले। इस शरीर को छोड़ करके प्राण कब निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो है श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कभी श्वास निकल जाए, इस शरीर में प्रवेश ना करे, इसलिए हम आपको श्वास श्वास में भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथाओं को सुनना है। इस सत्संग में गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सतसंग का ही प्रभाव जानना चाहिए, सतसंग से मति की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, सुंदर गति मिलती है, सुंदर जो है धन की प्राप्ति होती है, भलाई की प्राप्ति होती है। ये पांच चीज सत्संग से जीव को मिल जाती है। और एक बात ध्यान रखेंगे, सत्संग का प्रभाव केवल मानव पर ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हम पर ही पड़ता है। सत्संग का प्रभाव जड़ चेतन दोनों में पड़ता है। जड़ को सत्संग मिल जाए तो वह भी सुधर जाता है, चेतन तो सुधरता ही, जड़ भी सुधर जाता है। और तीनों स्थान में सत्संग का प्रभाव पड़ता है। जलचर थलचर नभचर नाना, ये मानस में लिखा है। चाहे वह जल में रहने वाला जड़ चेतन हो, धरती में रहने वाला जड़ चेतन पदार्थ हो, या कि आकाश में रहने वाला जड़ चेतन हो, तीनों स्थानों में सत्संग का प्रभाव पड़ता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जल में जड़ और चेतन दोनों पदार्थ हैं,
जड़ पदार्थ है चेतन जीव जल में रहता है, और जड़ पदार्थ चेतन जीव धरती में रहता है, और जड़ पदार्थ चेतन जीव आकाश में भी रहता है। इन तीनों स्थानों पर जड़ चेतन पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है। मानस में ही देखें, जल में जड़ जो है वह मैनाक पर्वत है। मैनाक पर्वत सत्संग से कितना बदल गया था। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, जो हमें पर्वत दिखाई पड़ते हैं ना धरती पर, इस सब पर्वतों के पहले पंख रहा करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए इन पर्वतों के पंखों को देख करके। ब्रह्मा जी ने कहा, इतने सारे पर्वत हैं, सबके पंख हैं, ये तो उड़ रहे हैं, मैं तो सृष्टि का सृजन करने वाला हूँ, ये उड़ते उड़ते किसी आबादी वाले क्षेत्र में बैठ जाएंगे तो मैं यहाँ बना बना करता हूँ, ये बिगाड़ देंगे तो सब बिगड़ जाएगा काम, क्या किया जाए। इंद्र ने कहा कि आप चिंता ना करें ब्रह्मा जी, मेरे पास में एक वज्र है, उस वज्र से मैं इन पर्वतों के पंखों को काट दूंगा। और इंद्र जो है अपना शस्त्र लेकर के, वज्र को लेकर के पहाड़ों के पास में पहुंचे, उनके पंख काटने लगे। अब सब पर्वत तो बेचैन पंख कट रहे हैं, उनमें से एक मैनाक पर्वत था, उसने कहा कि मैं अपने पंखों को नहीं कटवाना चाहता हूँ। वह दौड़ते दौड़ते भगवान पवन देव के पास पहुंचा। हे पवन देव, मेरी रक्षा करिए। पवन देव ने कहा, मैं तुम्हें छुपा तो लूंगा, लेकिन फिर भी तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम दिखोगे। ऐसा करो, चलो मेरे साथ समुद्र के पास। और पवन देव जो है मैनाक पर्वत को ले जाकर समुद्र के पास में पहुंचे और समुद्र के अंदर छुपा देते हैं। ध्यान रखना, ये मैनाक जड़ है, पर्वत जड़ है। और एक समय ऐसा आया कि वह जड़ भी कितना सुंदर काम करता है जब सत्संग मिला उसे। तो जब हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए निकले और जब समुद्र को पार कर रहे थे, तब समुद्र देव ने कहा, मैनाक जाओ, ये पवन के पुत्र हनुमान जा रहे हैं राम जी का कार्य करने के लिए, और तुम्हारे ऊपर पवन का ऋण है, पवन ने ही तुम्हारे पंखों को बचाया था, तो जाओ तुम उनके पुत्र हनुमान के पास और उनसे कहो कि वो आकर के मेरे ऊपर विश्राम करें, इसके बाद आगे की यात्रा करें, क्योंकि वो राम जी का कार्य करने जा रहे हैं, वो लंबी यात्रा में जा रहे हैं, तो बीच में उनका विश्राम का एक सहारा बनो तुम। जब मैनाक पर्वत से समुद्र देव ने ऐसी सुंदर कथा कही, तो वह मैनाक पर्वत जो जड़ था वह चेतन का काम करने लगा, उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह तुरंत हनुमान के पास में पहुंच गया। तय मैं नाक हो ही श्रमहारी, आप जाकर उनका श्रम दूर करो। तो सत्संग से इस जड़ पर्वत को भी सुंदर मती की प्राप्ति हुई, तभी तो यह हनुमान जी के श्रम को हरने वाला बन गया। इसी तरह जल में जो है चेतन जीव रहता है। आप मकरी को देखें, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी जब बूटी लेने जाते हैं, काल नेमी उन्हें रास्ते में रोकना चाहता है ताकि बूटी ना आ सके, लक्ष्मण के प्राण चले जाए। और जब हनुमान जी उस काल नेम के पास पहुंचे और सरोवर में जब जल पीने के लिए जाते हैं, तब मकरी हनुमान जी का पैर पकड़ती है हनुमान जी को खाने के लिए, लेकिन जैसे उसने एक संत का चरण पकड़ा, उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और जैसे उसे सुंदर मति मिली, तो वह सुंदर भाव प्रकट करती है, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मान हो बचन सत्य कपि मोरा। ये मैं सत्य कहती हूँ कि मुनि नहीं है, राक्षस है, ये आपका रास्ता रोकने के लिए बैठा है। और जो मकरी भगवान हनुमान जी को खाना चाहती थी, वही हनुमान जी की सहायता करती है, ये सत्संग का प्रभाव है। इसी तरह धरती पर भी जड़ चेतन है, जड़ है ये आपको दिखाई पड़ते हैं पेड़ पौधा। ये सब पेड़ पौधा जो है
ये जड़ हैं, लेकिन जब इनको राम जी का सानिध्य मिला, राम जी का दर्शन मिला, तो इनको भी सुंदर मति मिली। जबकि इन वृक्षों में तभी फल लगता जब इनका समय आता है, लेकिन जब राम जी का इन्होंने दर्शन किया, भगवान का दर्शन मानो सत्संग मिला, तो ये सारे फलों सारे वृक्षों में फल लग जाते हैं। सब तरु फरे, सारे वृक्ष फल देने लगते हैं। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरितु काल गति त्यागी। ते सत्संग का प्रभाव है कि इन वृक्षों को राम जी का दर्शन मिला, सत्संग मिला, ते भी फल देते हैं। इसी तरह धरती पर चेतन भी रहते हैं, कुल भी, इनको भी सत्संग मिला तो क्या कहते हैं, सपने हो धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दृश्य प्रभाव। हम तो कभी धर्म जानते ही नहीं, लेकिन जब राम जी का दर्शन हुआ तो हमें सुंदर मति की प्राप्ति हुई, और आज हम आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका जो है बर्तन, आपके कपड़े हम नहीं चुरा रहे हैं, क्योंकि हमें राम जी के सानिध्य से, इनके सत्संग से सुंदर मति की प्राप्ति हो गई। तो देखिए, कोल भीलों के विचार बदल गए राम जी का सानिध्य पा करके, जबकि चोरी करने वाले हैं। पाप कृत निशासर जाहे, नहीं कटपट नहीं पेट अघाहे। ये दिन रात पाप करते हैं, फिर भी कमर भर कपड़ा पेट भर भोजन नहीं मिलता, और पाप ही करते रहते हैं, लूटपाट ही करते रहते हैं। लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो इनको सुंदर मती की प्राप्ति हो गई। इसी तरह आकाश में जड़ और चेतन रहते हैं, उस पर भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। आप जड़ को देख लीजिए, जो मेघ है सब जड़ है, लेकिन जब भरत जैसे संत का इन्होंने दर्शन किया, इन्हें सुंदर मति की प्राप्ति हुई, और तुरंत मेघ भरत के ऊपर ही चलने लगे, छाया कर रहे हैं। किए जाहि छाया जलध सुखद भाई बरबात, अतस मग भयो न राम कहूं जस भा भरत ही जाते। तो ये जड़ जो है मेघ, इन्हें भरत का सानिध्य मिला, सत्संग मिला, इनको मति की प्राप्ति हुई। इसी तरह आकाश में चेतन जीव भी रहता है, संपाती। संपाती बंदरों को खाने के लिए आया, लेकिन जब वह सानिध्य संतों के पास पहुंच गया, उनका सानिध्य मिल गया, तो वह भी उनकी सहायता करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्संग का प्रभाव केवल मानव प्राणी पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि जीव जंतु पर भी पड़ता है, जड़ पर भी पड़ता है। केवल धरती पर ही नहीं, जल में रहने वाले जीव पर भी पड़ता है, आकाश में रहने वाले जीव पर भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। हम आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जितना बन सके तो हमें अच्छा करना है, बुरा करने की कभी नहीं सोचनी है। किसी हम भूखे को दो रोटी नहीं दे सकते हैं, तो उसकी थाली की एक रोटी छीनने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। किसी प्यासे को हम पानी नहीं पिला सकते हैं, तो उसके हाथ का लोटा भी छीनने का अधिकार नहीं है। किसी का हम हित नहीं कर सकते हैं, तो अहित करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के दर्द को हम कम नहीं कर सकते हैं, तो किसी को पीड़ा देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें सत्संग सिखाता है कि अच्छा कर्म करना चाहिए और बुरे कर्म का परित्याग करें, ये सत्संग का उद्देश्य है। यही संत महात्मा कहते हैं, यही राम कथा हम आपको सिखा रही है। अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छी बातें करें, अच्छी बातों को सुनें, अच्छी बातों को कहें, और हमेशा परहित की भावनाएं हमारे अंदर बनी रहें। भगवान का हमेशा स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, क्योंकि संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है। यहाँ किसी को हमेशा रहना नहीं है। हमारे सामने कितने लोग चले गए, कितने जा रहे हैं, उसी में हम आप कभी एक दिन नंबर लग जाना है। यहाँ किसी को हमेशा नहीं रहना। कुछ समय के लिए भगवान ने हमें भेजा है ये मानव का तन दे करके, तो ये मानव तन को पा करके शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है, क्योंकि बड़े भाग्य से मानव तन मिला हुआ है। ऐसा हमारे संत महात्मा गाते हैं, कहते हैं कि ये जीवन बड़ा ही मूल्यवान है, इसका हम आपको बड़े सावधानी के साथ प्रयोग करना है, जीवन जीना है, ये हमारे सत्संग का उद्देश्य है। आज श्री राम कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए कुछ समय में विलंब भी हुआ,
और कल जो है सही समय पर कथा प्रारंभ होगी, सही समय पर समापन होगा। हम आप सभी लोग बड़े भाव से आएंगे और आकर कथा सुनेंगे। मैंने आपसे निवेदन भी किया प्रारंभ में कि भैया सूर्यकांत जी का ही कार्यक्रम नहीं है, पूरे ग्रामवासी का कार्यक्रम है, जितने भी भक्त हैं सबका है। सभी लोग बड़े भाव से आए और अपना सहयोग प्रदान करें, तन मन धन से कथा में आए और जीवन में आनंद और खुशियाँ लें, यही सत्संग का उद्देश्य है। हरे रामा रामा राम सीता राम।